दिस इज पंकज धीमान, फैकल्टी मेंबर ऑफ SBS लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश, जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसके अंडर जो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 है. सेक्शन क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो बात करते हैं, आपको एक पैसेज दिया जाएगा हिंदी में, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 23-24 ये बताते हैं कि वहाँ पे आपको पैसेज एक इंग्लिश में होगा, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है. तो आई होप वो आपको अच्छे से कर लेंगे. तो उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, वो हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है. लेकिन जो इंग्लिश हिंदी में लिखे उनको इंग्लिश में बनाना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ. देखिए, जब आप किसी भी पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में लिखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है लिखने की कोशिश करें. आप अपने वर्ड्स में जो उसको लिख सकते हैं, सिंपल से सिंपल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं. मतलब कि आपकी जो जो सेंटेंस है वो क्लियर होना चाहिए. तो सिंपल से तरीके से लिखने की कोशिश करिए. एज इट इज़ तो आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन एक कोशिश जो है आप यहाँ पे कर ही सकते हैं. तो देखिए, जैसे आपके पास पैसेज है एक सद्भावनपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, तो प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन गुड फेथ. तो अगर कोई भी अधिकारी जो है सद्भावकपूर्व या गुड फेथ में कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई करता है, तो उसको वहाँ पे कानून का प्रोटेक्शन जो है मिला हुआ है. मतलब उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई जो है नहीं की जा सकती है. इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए किसी भी आदेश के निष्पादन के लिए या सद्भावपूर्व की गई या की जाने वाली किसी आयोजित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधि कार्रवाई जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी सदस्य या जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी सदस्य या जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी. तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बताया गया कि अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी जो है यहाँ पे जो कमीशन्स बने हैं, देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ऑन द बेसिस ऑफ पैकनेज जुरिसडिक्शन बड़े सारे कमीशन यहाँ पे बनाए गए. डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी है, नेशनल स्टेट कमीशन भी है, नेशनल कमीशन भी है. तो उनके अगेंस्ट और उसके अधिकारियों के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर वो जो है गुड फेथ में काम करते हैं. तो इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. नो सूट और प्रोसिक्यूशन, किसी तरीके का कोई भी वाद या कोई भी जो है कोई भी प्रोसिक्यूशन, अभियोजन जो है, या भी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है स्टार्ट नहीं की जाएगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, किसी भी जो भी मेंबर है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का, जो जिला पीठ का या स्टेट पीठ का या नेशनल पीठ का कोई भी ऑफिसर, उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई जो है स्टार्ट नहीं की जाएगी. या फिर इस एक्ट के अंडर अगर किसी भी अधिकारी ने कोई डायरेक्शन दी है, कोई निर्देश दिए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का हो, चाहे स्टेट कमीशन का हो या नेशनल कमीशन का हो, कोई काम एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी काम का निष्पादन अगर वो कर रहा है, कोई ऑर्डर कोई मेक कर रहा है, गुड फेथ में अगर वो कर रहा है, सद्भावनापूर्वक अगर वो कर रहा है और उसकी इंटेंशन जो है वहाँ पे गुड फेथ में है, अंडर दिस एक्ट के अकॉर्डिंग है, इस कानून के अधीन है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं की जा सकती है. इसको आप इसको ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं. इसके अलावा और भी हैं आपके पास, जैसे आपके पास ये है, ये आपके पास है कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, विधिक प्रतिनिधि क्या होता है. तो कई बार जो है जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो वारिस होते हैं वो उसकी जगह पे केस फाइल करने या सूट फाइल करने के हकदार हो जाते हैं. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं. तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको एक पैसेज दिया गया है, उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. तो विधिक प्रतिनिधि वह व्यक्ति है, आपको परिभाषा जहाँ पे दी गई, वह व्यक्ति है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिजीज पर्सन, जो कि एक प्रतिनिधि होता है किसी मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका प्रतिनिधित्व करता है. एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिजीज, या फिर हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं जो कि उस संपत्ति में किसी तरीके का जो है वहाँ पर दखल अंदाजी करता है, या फिर एंड वेयर अ पार्टी सूज और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, या फिर कोई भी पार्टी वहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, उसका जो वहाँ पे
प्रतिनिधि पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, या उस रूप पक्षकार के प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई वाद लाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि मरने के बाद जो प्रॉपर्टी जो है उसी पर्सन की होनी है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बोलते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन रिप्रेजेंट इन लॉ द एस्टेट ऑफ द डिजीज पर्सन एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिजीज एंड वेयर अ पार्टी सूज और इज सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो अगर कोई पार्टी जो है एज ए प्रतिनिधित्व पक्षकार के आधार पर अगर वहाँ पे कोई सूट लगाता है और जो प्रॉपर्टी उसको उस डेथ पर्सन की प्रॉपर्टी जो है उसको ही मिलने वाली है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विधिक रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे या लीगली रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा विनिमय पत्र क्या होता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा पत्र होता है जो कि बैंक को दिया जाता है ताकि किसी भी पर्सन को पेमेंट की जा सके। तो ये जनरली जो भी चेक होते हैं जो उनको हम जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज ही बोलते हैं। तो विनिमय पत्र ऐसे लेखबद्ध लिखित और जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को ये निर्देश देने वाला उसमें रचयिता द्वारा हस्तांतरित अशर्त आदेश अंत विशिष्ट हो या एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखित के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत करें। तो यहाँ पे देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लेखबद्ध एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इन राइटिंग होता है, लिखित रूप में होता है, जिसमें लिखा होता है कि एन अनकंडीशनल सशर्त बिना किसी शर्त के जो कि एक बनाता है, एक मेकर बनाता है, रचयिता इसको बनाता है, डायरेक्टिंग द सर्टन पर्सन किसी पर्सन किसी भी व्यक्ति को ये आदेश देता है, उसको डायरेक्ट करता है टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू कि किसी भी व्यक्ति को वो कुछ मनी जो है पे करे, कुछ धन जो है पे करे ओनली टू द ऑर्डर, जब वो उसको ऑर्डर दे अ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द किसी भी सर्टन पर्सन जिसका उस इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिखा होगा या फिर बेयरर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का। तो जैसे आप चेक देते हैं तो वो चेक आप बैंक को ये आदेश देते हैं कि उसके आदेश पे किसी को इतने पैसे दिए जाएँ, उसका नाम भी वहाँ पे लिखा होता है, वही बात यहाँ पे जिक्र की जा रही है। अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे इज़ नॉट कंडीशनल, वो किसी तरीके की कंडीशन सशर्त कंडीशन वहाँ पे नहीं होती है सेक्शन 4 के अंडर जैसे यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे ये भी लिखा है अ पर्सन टू होम इट इज़ क्लियर दैट द डायरेक्शन इज गिवन और दैट पेमेंट इज़ टू बी मेड मे बी अ सर्टन पर्सन। इसके अलावा जिस पर्सन को डायरेक्ट किया गया है मेकर के थ्रू रचयिता के थ्रू कि किसको ये पैसे दिए जाना है उसका नाम यहाँ पे वो सर्टन पर्सन होना चाहिए, उसका नाम वहाँ पे होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ दिस इस सेक्शन 4 के अंडर जो है जिसका नाम गलत भी लिखा हुआ है या उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तब भी वो चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वह व्यक्ति जिसके बारे में स्पष्ट है कि उससे आदेश दिया गया है जो संदाय किया जाता है कि इस धारा और धारा 4 के अर्थ में एक निश्चित व्यक्ति माना जा सकेगा, यदि भी उसका नाम अशुद्ध चाहे उसका नाम गलत भी लिखा हो अशुद्ध लिखा हो या उसका केवल वहाँ पे या वह केवल वर्णन द्वारा ही अधिकृत हो जाए, उसके जो डेजिग्नेशन ही वहाँ पे उसका दिया गया हो। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। एक आपके पास जैसे ये 5 नंबर का है, नए किराएदार के संबंध में किराए का पुनर्निरीक्षण, द रिविजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसी। तो जब कोई किराएदार और ऑनर के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो उसका अगर पुनर्निरीक्षण करना है, रिवीजन करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये पूछा गया है। लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर ऐसा होता है, लैंडलॉर्ड एक्ट जो बनाए गए हैं, लैंडलॉर्ड टीनेंट एक्ट भी बड़े सारे हर एक स्टेट के अपने अपने होते हैं। नए किराएदारों के संबंध में किराए का पुनर्निरीक्षण, द रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज, किसी प्रतिकूल करार के अभाव में अगर वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, द रेंट ऑफ द प्रमाइसिस लेट आउट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई रेंट डिसाइड किया गया है जैसे कि यहाँ पे बताया गया इस लॉ के बनने से पहले, शैल बी लायबल टू बी इंक्रीज, तो वहाँ पे अगर आप में बीच में कोई करार नहीं है तो 5% के हिसाब से जो है आप उसको रेंट को इंक्रीज जो है कर सकते हैं आफ्टर द 10 ईयर, 10 साल के बाद। सच रेंट शैल बी फर्दर बी लायबल टू बी इंक्रीज एट द सिमिलर रेट, और ये जो है रेंट उसके बाद भी इसी सिमिलर रेट से बढ़ता जाएगा, सेम मैनर में ये बढ़ता जाएगा अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एनी एग्रीमेंट फॉर इंक्रीज ऑफ रेंट इज एक्सेस ऑफ 5% एंड शैल बी वाइड टू द एक्सटेंट, अगर
वहाँ पे 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी रेंट में होती है तो वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वो जो टेनेंसी क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी, प्रतिकूल वहाँ पे मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको कुछ यहाँ पे पैसे बताए गए जिसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये आप इसको पढ़ के इसका मीनिंग देखिए, यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट जो है कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।